Hi everyone, I'm Himanshi and welcome back to my YouTube channel. Okay, so for today's video, I'm going to share with you all 5 simple and cute hairstyles for our daily routine. So, ये सारी hairstyles बहुत ज़्यादा easy हैं and आप अपने घर पर इसे ज़रूर try करना. And if आपको ये video अच्छी लगे, then make sure to hit the like button and subscribe to my channel. And now, let's start the video. ओके तो सबसे फर्स्ट हेयर स्टाइल में हम अपने हेयर्स को 2 पार्ट में कॉम्ब की हेल्प से डिवाइड करेंगे. ओके देन आपको अपने हेयर्स का थोड़ा सा पार्ट लेके उसे लेना है एंड देन उसे रोल करना है. ओके इसके बाद आपको उसके आगे के थोड़े से हेयर का पार्ट लेना है एंड फर्स्ट वाले के साथ कंबाइन करके आपको उन दोनों को रोल करना है. आई होप मैं जैसे कर रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा. एंड बस आपको इस तरीके से अपने ईयर तक करना है. ओके सो इट्स फिनिश्ड एंड बस आपको उन सबको रोल करके पिन अप करना है. ओके एंड देन आपको अपने हेयर्स सारे हेयर्स कंबाइन करके आपको रबर बैंड अटैच करना है. ओके एंड नाउ इट्स डन एंड हेयर्स आर फर्स्ट हेयर स्टाइल. ओके सो फॉर द सेकेंड हेयर स्टाइल आपको फर्स्ट वाला हेयर स्टाइल सेम रखना है एंड देन आपको सारे हेयर्स कंबाइन करके आगे की तरफ इस तरह लाने हैं एंड देन उन्हें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जो हम नॉर्मल ब्रीड बनाते हैं वो बनानी है. एकदम लूज लूज बनानी है. ओके सो इस तरीके से हम लोग को नॉर्मल ब्रीड बना लेनी है. ओके सो दिस वॉज आर सेकेंड हेयर स्टाइल. आई होप आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आई होगी एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड हेयर स्टाइल. एंड इस हेयर स्टाइल में हमें अपने हेयर्स को इस टाइप से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड देन हमें हेयर के थोड़े से पार्ट लेने हैं और फिर उसे 3 इक्वल पार्ट्स में अगेन डिवाइड करना है. थोड़े से हेयर के पार्ट लेने हैं एंड देन उनसे सिर्फ एक स्टेप तक हमें ब्रेड बनानी है एंड देन उसके आगे के हेयर के पार्ट लेने हैं एंड देन जो हमने फर्स्ट वाली ब्रेड बनाई थी उसमें कंबाइन करना है. ओके आई होप आप लोगों को देखकर समझ आ रहा होगा. मैं जितना अच्छे से समझा सकती हूँ मैं समझा रही हूँ. ओके इस तरीके से आपको करना है एंड देन ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है. आगे के थोड़े से हेयर के पार्ट लेने हैं एंड देन जो हमने जो लास्ट ब्रेड बनाई थी उसमें कंबाइन करके उसको कंटिन्यू रखना है. ओके सो ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू रखना है यहाँ तक ईयर तक हमें कंटिन्यू रखना है एंड देन हमें उसके आगे 2-3 ब्रेड और बनानी है नॉर्मल ब्रेड. और फिर उसे पिन से अटैच करना है एंड दैट्स इट. सो दिस इज आवर थर्ड हेयर स्टाइल. ओके सो फॉर द फोर्थ हेयर स्टाइल वी हैव टू डिवाइड आर हेयर्स इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. हमें अपने हेयर्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड देन एक साइड के कुछ हेयर के सेक्शन लेने हैं एंड फिर उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जैसे हम नॉर्मल ब्रेड बनाते हैं वैसे ब्रेड बनानी है. बस सिंपल ब्रेड बनानी है हमें. 3 से 4 स्टेप्स तक करना है ये एंड देन उसे पिन से अटैच करना है एंड दैट्स इट. हमें ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है सेकेंड साइड पे. तो अगेन हम हेयर के कुछ सेक्शन लेंगे एंड देन उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके नॉर्मल ब्रेड बनाएंगे.
ओके सो इसके बाद हमें उसके पीछे से हेयर के कुछ सेक्शन लेने हैं, उसे लेकर राउंड राउंड घुमाते हुए हमें बन बनाना है। तो मैंने यहीं पर थोड़े से सेक्शन लिया है हेयर का और फिर उसे राउंड घुमाते हुए नॉर्मल जो हम बन बनाते हैं वो बनाना है और फिर उसे अगेन पिन से अटैच करना है। सो या इट्स आ फोर्थ हेयर स्टाइल। ओके सो इन द लास्ट हेयर स्टाइल हमने जैसा थर्ड हेयर स्टाइल में किया था हमें वैसा ही करना है। हमें अपने हेयर्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड देन उस वन साइड के हेयर के पार्ट लेकर उसे थ्री सेक्शन में डिवाइड करके जो हम नॉर्मल ब्रेड बनाते हैं वो बनानी है। उस वाले हेयर स्टाइल में हमने एक ही साइड बनाई थी, बस इसी हेयर स्टाइल में हमें दोनों साइड बनानी है। बस उसके आगे के थोड़े से हेयर के पार्ट लेने हैं एंड देन उस फर्स्ट वाली में कंबाइन करके नॉर्मल ब्रेड बनानी है। बिल्कुल सेम है जैसा हमने थर्ड हेयर स्टाइल में किया था। बहुत ज़्यादा इजी है, ये कोई हार्ड हेयर स्टाइल नहीं है। सो आई होप आप लोग का समझ रहे होंगे। एंड देन उसे हमें ईयर तक करना है और फिर उसे पिन से अटैच करना है। दैट्स इट। अब ये सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे सेकेंड साइड पर। ओके सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। मैं फटाफट से कर लेती हूँ। इफ़ आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो ओपन हेयर्स, बट आज हम इसे टू इक्वल पार्ट्स में अगेन डिवाइड करेंगे और फिर आगे लाकर रबर बैंड लगाएंगे। ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। आप चाहो तो नॉर्म ओपन हेयर्स भी रख सकते हो। ओके सो ये सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी कर लिया सेकेंड साइड पे एंड या दिस इज़ आर लास्ट हेयर स्टाइल। ओके सो दिस वॉज टूडेज वीडियो। आई रियली होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। सो इफ आपको इस टाइप के वीडियोज देखना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बिकॉज मैं इस टाइप के वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। एंड इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट जरूर करना इफ आप इनमें से कोई भी हेयर स्टाइल ट्राई कर रहे हो तो एंड इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड नाउ बाय।